हर साल हजारों रुपए रासायनिक उर्वरकों पर खर्च करने के बावजूद प्रति वर्ष अपेक्षित लाभ कम होता जा रहा है और जमीन की उपजाऊ क्षमता भी कम होती जा रही है। भाई काफी गहन चिंतन में लग रहे हो रामपाल जी। अरे आइए आइए, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि अब की बार रासायनिक उर्वरकों पर कम रुपए खर्च करके जैव उर्वरकों का भी इस्तेमाल करूं। अरे वाह, यदि ऐसा है तो इस बार हमारे उत्पाद एनपीके तरल कंसोर्टिया का प्रयोग आप अपने खेतों में क्यों नहीं कर लेते? वैसे उत्पाद इफको का है तो अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ तो बताइए इसके फायदों के बारे में। भाई इफको उत्पाद तरल कंसोर्टिया एनपीके का मिश्रण है जो अलग अलग मात्रा की बोतलों में उपलब्ध है, जैसे 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और 1 लीटर, जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा में लगभग 50 करोड़ जीवित जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में पहुंचने के बाद वायुमंडल से 6 से 16 किलो तक की नाइट्रोजन खींचकर प्रति एकड़ भूमि में उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही ये फॉस्फेट और पोटाश की घुलनशीलता में भी 30 से 35% तक की वृद्धि करता है। इसका उपयोग सभी फसलों जैसे कि धान, दलहन, तिलहन, फल फूल और सब्जियों में कर सकते हैं। इसके उपयोग से पैदावार में 10 से 15% तक वृद्धि होती है और रासायनिक खादों का इस्तेमाल 25% तक कम किया जा सकता है। इसका उपयोग किस तरह किया जा सकता है? किसान भाई इस जैविक उर्वरक से बीज शोधन, भूमि शोधन, कंद शोधन एवं जड़ शोधन कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए 250 मिलीलीटर तरल जैविक उर्वरक का 2 से 3 लीटर पानी में घोल बनाएं और इस घोल को 50 से 60 किलो बीज के ढेर पर डालकर हाथों से मिलाएं, जिससे बीजों पर जैविक उर्वरक समान रूप से मिल जाए। उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर जल्दी ही बुआई कर दें। जड़ उपचार के लिए 250 मिलीलीटर तरल जैविक उर्वरक का 4 से 5 लीटर पानी में घोल बनाएं। 1 एकड़ के लिए पर्याप्त पौधों की जड़ों को 20 से 25 मिनट तक घोल में भिगोएं। उपचारित पौधों की जल्द ही रुपाई कर दें। मृदा उपचार के लिए प्रति एकड़ उपचार हेतु 300 से 400 मिलीलीटर तरल जैविक उर्वरक को 50 से 100 किलो मिट्टी, बालू या कंपोस्ट में अच्छी तरह से मिलाएं। इस मिश्रण को बुआई के समय या 24 घंटे पूर्व 1 एकड़ क्षेत्र में समान रूप से बिखेर दें। अरे वाह, मैं आज ही ifcobazaar.in से इस उत्पाद को मंगवा लेता हूँ और सभी को इसके फायदों के बारे में बताऊंगा, ताकि खत्म हो चुकी जमीन की उपजाऊ क्षमता फिर से जीवित हो सके।